बुधदेव 5 जनवरी 2021 मंगलवार को धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद बुध मकर राशि से अगली 25 जनवरी 2021 तक रहेंगे और ये फिर मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के इस गोचर का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, तो आइए जानते हैं बुध के मकर राशि में गोचर का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए यह गोचर अच्छे नतीजे देने वाला है, धन लाभ होगा, कार्यस्थल पर आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। वृषभ राशि के लिए यह गोचर मिला जुला रहने वाला है, इस अवधि में लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। मिथुन राशि वालों को अति भावुकता से बचना होगा और भाई बहनों के साथ बेहतर रिश्ते बनाए रखने होंगे। कार्यस्थल पर विवाद से बचना होगा, वैसे विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों को अपने लंबित प्रोजेक्ट पूरे करने का मौका मिलेगा, इनकम में स्रोत बढ़ेंगे और मान सम्मान भी मिलेगा, कोई अच्छी खबर भी मिलेगी। सिंह राशि वाले आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, लेकिन बुजुर्गों के स्वास्थ्य थोड़ा ध्यान रखना होगा, अगर बेरोजगार हैं तो नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। कन्या राशि वाले कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, सफलता मिलेगी, किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तुला राशि वालों का परिवार के साथ तालमेल पहले से बेहतर होगा, जीवन के सभी भौतिक सुविधाओं का आनंद लेंगे। वृश्चिक राशि के लोग जो मीडिया और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिलने के आसार बन रहे हैं, जीवन में तरक्की करेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी। धनु राशि वाले अगर नौकरी पेशा हैं तो उनके प्रमोशन के योग बनेंगे, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे और अगर बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस का विस्तार कर पाएंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी। मकर राशि वालों को लंबे समय से अटका हुआ कोई काम बन जाएगा, क्योंकि इसी राशि में बुध गोचर करने जा रहे हैं, कोई अच्छी खबर भी आपको मिलेगी और धन लाभ भी होगा। कुंभ राशि वालों को मिले जुले परिणाम मिलेंगे, धन का निवेश करना चाह रहे हैं तो अभी समय का इंतजार है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मीन राशि वालों का समय दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी बेहतर रहेगा और बिजनेस के एंगल से भी काफी सफलताएं मिलेंगी, जो लोग रिलेशनशिप में हैं वे शादी के बंधन में बन सकते हैं।